कैमरामैन। वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीमर दीपा। तो आज मैं बिहारी स्टाइल में अपनी मम्मी के पसंद का बनाने वाली हूँ बेसन की सब्जी। उसे वो कहती थी बेसन की मछली भी, गट्टे की सब्जी भी बोला जाता है जो गोल गोल बनते हैं, कढ़ी भी, कढ़ी तो मेरा फेवरेट है और बेसन मछली मेरी माँ का बहुत ही फेवरेट हुआ करता था। तो आज हम वही बनाने वाले हैं। जो भी बिहारी है ज़रूर इसे देखिए पूरा रेसिपी मेरे स्टाइल में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरे साथ बने रहें कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने एक प्याज, दो टमाटर, हरी मिर्ची, इसको चॉप करेंगे और फिर इसमें ग्राइंड करेंगे। और यहाँ मैंने ले लिया है तसली, बिहारी में कहते हैं तसली डेगची। तो यहाँ पे अभी गैस ऑन करेंगे, पानी गर्म करेंगे और ये मैं चावल को धो के रख ली हूँ, चावल बनाएंगे। और अभी ऑफिस से आई हूँ तो गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ। चाय ऑलमोस्ट हो चुका है, चाय पीने के बाद ये खाना बनाने का कार्यक्रम हम चालू करेंगे। तो ये कट गया है प्याज, टमाटर, मिर्ची, अब पिसने के लिए तैयार है। तो ये रहा बेसन और हम इस पिंक वाले बड़े से कटोरे में बेसन डालेंगे। अब डालेंगे थोड़ा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और घुमाते रहेंगे। थोड़ी सी मैंने इसमें सरसों तेल डाली है और ये पेस्ट इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसमें गांठें ना पड़े। यहाँ मैंने स्टील के प्लेट में अच्छे से ये सरसों तेल पूरा मिला दिया है और अब मैं मेरे मिक्सचर को इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। तो मसाला भून चुका है और अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, सॉरी मसाला नहीं, प्याज और टमाटर अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हमने ऐड किया है थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। और जो बेसन का घोल हमने कटोरा में बनाया था ना, उसी कटोरा में थोड़ा पानी डालेंगे और इस मसाले में थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़ा अच्छे से इसे भूंजेंगे। जैसे चिकन मटन का मसाला भूंजते हैं वैसे ही इसको भूंजना है, फ्राई नहीं करना है, भूंजना है। और यहाँ चावल भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है, डेगची वाला चावल। देखो चावल जब भी बनाओ ना तो ऐसे माड़ निकाल के बनाओ ताकि वह हेल्दी होता है। देखिए मसाला कितना सुंदर रेड रेड हो गया है ना, यानी कि अच्छे से ये भुज गया है। और लास्ट में इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। नमक थोड़ा ही डाल रही हूँ क्योंकि पहले भी मैंने बेसन में डाला था, तो मसाले में थोड़ा ही नमक डालेंगे। और इसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है कस्तूरी मेथी। ओहो क्या लाजवाब खुशबू आ रही है। तो ये बेसन मछली का झोर जो है, जिसे रस कहते हैं, मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे अपना बेसन मछली। तो जो ट्रायंगल शेप बनता वो तो नहीं बना, स्क्वायर बना है, लेकिन अच्छा बना है। और इसे अंतिम चरण में हम धनिया पत्ती से सजा देंगे। तो हो गई है सब्जी रेडी। और अब जल्दी जल्दी से खाते हैं, थाली निकाल ली हूँ, बहुत भूख लगा है। तो बिहारी बेसन की सब्जी यहाँ पे आ गई है, पूरी थाली सज चुकी है। तो ये रहा चावल, जिसे कहते हैं भात, सब जानते हैं। और ये रहा बेसन की सब्जी, कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। और ये खीरा और ये धनिया पत्ता की चटनी। तो अब हम खाते हैं। बहुत टेस्टी है। तो अब मैं अपना
टेस्टी बिहारी खाना एंजॉय करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना और ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी है। और हरी धनिया पत्ता की चटनी भी मैंने अपने स्टाइल में शेयर की है, शायद इस ब्लॉग में नहीं की है, इससे पहले वाले ब्लॉग में, तो उसे भी ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, तो ये बिहारी लड़की आपको अभी शुभ रात्रि कहती है और अपना खाना एंजॉय करती है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।